स्टूडेंट्स, माई सेल्फ झरना सिंगल, योर बॉटनी टीचर, और आज हम डिफरेंस पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स के बारे में, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। फर्स्ट पॉइंट देखिए, एल्गी मोस्टली एक्वेटिक होती हैं, यानी वाटर में रहती हैं। ब्रायोफाइट्स भी मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, पानी में ही रहते हैं, लेकिन ये ऐसे प्लेस पे रहना चाहते हैं जहां पे कि थोड़ा सा मॉइस्चर हो और प्लेसेस भी वो शेडी हो, यानी जहां पर थोड़ी सी छाया आती हो। नेक्स्ट है, जिनका थैलस होता है वो यूनिसेलुलर होता है, यानी एक सेल हो सकती है, मल्टी सेलर होता है, बहुत सारी सेल्स हो सकती हैं, और स्यूडो पैरेन्काइमेटस होता है, यानी इसमें जो सेल्स होती हैं वो स्यूडो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। जो ब्रायोफाइट्स का थैलस होता है वो पैरेन्काइमेटस सेल से ही बना होता है, लेकिन जो प्रोटीनियमा होता है वो क्या होती है, फिलामेंटस होती है। नेक्स्ट है, इसमें कोई भी टिश्यू डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, लेकिन ब्रायोफाइट्स में जो सेल्स होती हैं उनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। इसमें स्टोमेटा, पोर्स और राइजाइट्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन इसमें स्टोमेटा, पोर्स और राइजाइट्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें प्लांट बॉडी में जितनी भी सेल्स होती हैं वो डिवीजन में के लिए कैपेबल होती हैं, लेकिन इसमें ब्रायोफाइट्स में जो डिवीजन होती है कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ही होती है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर, एकाइनिड प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। इसमें सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक ही सेल होती है, उसके चारों ओर कोई जैकेट्स भी नहीं होती है। लेकिन इसमें जो ब्रायोफाइट्स में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं, उनके चारों ओर एक जैकेट प्रेजेंट जरूर होती है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस होता है, लेकिन ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ ऊगैमस टाइप का होता है। इसमें पेरेंट्स प्लांट से जायगोट बाहर निकलता है, लेकिन इसमें पेरेंट प्लांट के अंदर ही जायगोट रहता है। इसमें लिबरेशन के बाद, बाहर निकलने के बाद जायगोट रेस्टिंग पीरियड में रहता है, लेकिन इसमें कोई भी रेस्टिंग पीरियड जायगोट का नहीं होता है। इसमें जायगोट एम्ब्रियो फॉर्म नहीं करता है, लेकिन ब्रायोफाइट्स में जायगोट हमेशा एम्ब्रियो फॉर्म करता है। इसमें स्पोरोफिटिक फेज जो होता है वो जायगोट से रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि आपको पता है जायगोट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है और ये इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन इसमें स्पोरोफिटिक फेज जो होता है बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड होता है और पूरी तरह से गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है। एल्गी में होमोलोगस और आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। इसका मीनिंग ये है कि स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक सेम होती है, जबकि ब्रायोफाइट्स में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है वो हेटरोमॉर्फिक होती है। इसका मतलब क्या है कि गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक दोनों फेज अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, यानी कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में क्या डिफरेंस है। जो ब्रायोफाइट्स में बॉडी होती है वो गैमेटोफिटिक होती है, थैलॉइड होती है और फॉलियोज होती है। इसका मतलब जो प्लांट बॉडी होती है वो रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड नहीं होती, जबकि टेरिडोफाइट में प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है, रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड होती है। इसमें गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेंट होता है, इसमें स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेंट होता है। इसमें वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं, जबकि टेरिडोफाइट्स में वैस्कुलर टिश्यू वेल डेवलप्ड होते हैं। इसमें स्पोरोफाइट पूरी तरह से गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है, जबकि इसमें स्पोरोफाइट जो होता है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है। ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंटली ग्रोथ नहीं कर सकता, क्योंकि गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता है, जबकि इसमें स्पोरोफाइट जो फेज होता है वो इंडिपेंडेंटली ग्रोथ कर सकता है। टॉपिक है वो डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स। जो जिम्नोस्पर्म्स होता है मोस्टली जीरोफिटिक हैबिटेट में होते हैं, इसका मतलब पानी की इन्हें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि टेरिडोफाइट्स मोस्टली हाइग्रोफाइट्स होते हैं, यानी कि मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस पे रहते हैं। इसमें टैपरूट सिस्टम होता है, जबकि इसमें एडवेंचरस रूट सिस्टम होता है। इसमें यूस्टेलिक ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है और सेकेंडरी ग्रोथ भी पाई जाती है, जबकि इसमें ना तो यूस्टेलिक ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है और सेकेंडरी ग्रोथ भी एब्सेंट होती है। इसमें स्टेम्स एरियल होती हैं जिम्नोस्पर्म्स में, यानी कि स्टेम ऊपर होती है जमीन से, जबकि इसमें अंडरग्राउंड स्टेम होती है जो कि राइजोम की फॉर्म में होती है। इसमें सिर्फ माइक्रोस्पोर्स होते हैं, वही माइक्रोस्पोरेंजिया से शेड होते हैं, यानी बाहर निकलते हैं, जबकि इसमें माइक्रो और मेगास्पोर्स दोनों ही स्पोरेंजिया से बाहर आते हैं। इसमें पोलन ट्यूब जो होती है वो डेवलप्ड होती है, क्योंकि वो मेल गैमीट को आर्चीगोनियम तक ले जाती है। इसमें पोलन ट्यूब एब्सेंट होती है, क्योंकि ये हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं। आर्चीगोनिया में कोई भी नेक कैनाल और नेक कैनाल
सेल नहीं होती है और आर्चिगोनियम भी एब्सेंट होता है नीटम में। इसमें आर्चिगोनियम में नेक कैनाल और नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। मेगास्पोरेंजियम जो होता है वो पूरा प्रोटेक्टर होता है इंटेग्यूमेंट से और इसे ओव्यूल कहा जाता है, जबकि इसमें टेरिडोफाइट्स में ओव्यूल एब्सेंट होता है। सबसे खास बात ये होती है जिम्नोस्पर्म की, इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर जरूरी नहीं होता है, जबकि टेरिडोफाइट्स के लिए फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर जरूरी होता है। इसमें गैमेटोफाइट जिम्नोस्पर्म पूरी तरह से स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होता है, जबकि इसमें टेरिडोफाइट्स में गैमेटोफाइट ग्रीन होता है और ऑटोट्रॉफिक होता है, यानी उस पर डिपेंडेंट नहीं होता है स्पोरोफिटिक पर। इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन और अर्लियर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट प्रेजेंस होती हैं, जबकि टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट होती हैं। इसमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं और टेरिडोफाइट्स में सीड एब्सेंट होते हैं।